दादागिरी चल रही है। दो लोग इस देश में है, एक मोदी जी एक अमित शाह, इतने गुरूर में लगते रहते हैं, मालूम पड़ रहा है कि पूरा हिंदुस्तान उनका गुलाम है। एक भी ईडी, एक भी सीबीआई, एक भी बुलडोजर बीजेपी वाले के घर नहीं गया, पूछा क्यों नहीं गया? और जो लोग संपत्ति बाप दादा की बेचने का काम करते हैं वो कपूत कहलाते हैं, सपूत नहीं कहलाते हैं। मोदी जी रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। फंसाए किसमें रहते हैं आपको? दिन रात हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया इन लोगों ने। इसलिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति और धर्म पर पाठ हमको मत पढ़ाओ, हम तुम्हारी असलियत ऊपर से लेकर नीचे तक जानते हैं। अयोध्या में भी तुमने क्या किया वो भी जानते हैं। कि देखो ए दीवानो, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो और राम राम जपना पराया माल, यही काम है वाजपेयी। ये ना राम के हैं और ना आम के हैं, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ नोट कमाने के लिए बने। कल जेल में भेजना हो आज भेजो, आज भेजना हो अभी भेजो, लेकिन हम चुप रहने वाले लोग नहीं हैं, लड़ेंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। इस बात से खुश मत होइए कि मुसलमानों पर बुलडोजर चल रहा है, ये उजाड़े जा रहे हैं, ये बर्बाद किए जा रहे हैं, क्योंकि नंबर आपका भी आएगा, नंबर हमारा भी आएगा, कोई बचेगा नहीं जो इनके खिलाफ बोलेगा। ये अपने हिसाब से चलाते हैं बुलडोजर, अपने हिसाब से बुलडोजर चलाते हैं। इनका एक ही फार्मूला है, देश के नौजवानों हम तुमको नौकरी नहीं देंगे, अग्निपथ योजना में तुम्हें बर्बाद कर देंगे, 4 साल की नौकरी देंगे सेना में, तुम कटोरा लेके भीख मांगते रहना, लेकिन वोट भारतीय जनता पार्टी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। व्यापारी भाइयों, भले ही आपका व्यापार बर्बाद हो जाए, भले ही जीएसटी के चक्कर में इस दफ्तर से उस दफ्तर घूमते रहना, बर्बाद हो जाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। माताओं बहनों, महंगाई के कारण भले तुम्हारे घर का चूल्हा ना जले, भले तुम्हारे बच्चे को अच्छी शिक्षा ना मिले, भले ही तुम रोटी ना पाना, लेकिन वोट बीजेपी को देना, क्योंकि हम मुसलमानों को ठीक कर रहे हैं। यह तो इनका फार्मूला है, मुसलमानों को ठीक करते करते इन्होंने पूरे हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क कर दिया। इनके चक्कर में मत पड़ना, जब भी ऐसे सवाल लेके आए इनसे पूछना हमारे आरक्षण का क्या हुआ, बाबा साहब के सपने का क्या हुआ, बाबा साहब के लिखे गए संविधान का क्या हुआ, उस संविधान में दिए गए अधिकार का क्या हुआ, क्योंकि यह देश किसी नरेंद्र मोदी और योगी के फरमान से नहीं चलेगा, यह देश चलेगा तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के संविधान से चलेगा। सारा कुछ बेचने पर लगी हुई सरकार, आपको जानकर हैरानी होगी कि हिंदुस्तान की पहली सरकार है मोदी जी की सरकार, अपने आप को देशभक्त कहने वाली सरकार, अपने आप को राष्ट्रवादी कहने वाली सरकार, और यह सरकार जो अपने आप को देशभक्त कहती है वो सरकार बजट लाती है 6.5 लाख करोड़ रुपए देश की संपत्तियां बेचकर हम अर्जित करेंगे। क्या है बजट इनका? कह रहे हमारे पास खाने को नहीं है, हम घर का दरवाजा बेचेंगे, घर का सोफा बेचेंगे, घर की फ्रिज बेचेंगे और फिर हम लगाएंगे भारत माता की जय। अरे भारत माता की जय ऐसे नहीं होगी, भारत माता की जय होगी भारत की संपत्तियों को बढ़ाओ, और जो लोग संपत्ति बाप दादा की बेचने का काम करते हैं वो कपूत कहलाते हैं, सपूत नहीं कहलाते। मोदी जी आप भारत की संपत्ति बेच रहे हैं, रेल बेच रहे हैं, सेल बेच रहे हैं, कोल बेच रहे हैं, बीपीसीएल बेच रहे हैं, एलआईसी बेच रहे हैं, सड़क बेच रहे हैं, स्टेडियम बेच रहे हैं, पूरा हिंदुस्तान बेच रहे हैं। जब आप सारी सरकारी संस्थाओं को बेच देंगे, सरकारी नौकरियां रहेंगी ही नहीं, तो आरक्षण किस बात का मिलेगा? प्राइवेट कंपनी किसकी है? मोदी जी के मित्रों की है। और मोदी जी के मित्रों को कितना कर्जा मिला है आपको मालूम है? अंदाजा लगाइए, कितना अधिक सोच सकते हैं आप लोग? शायद सोच नहीं पाएंगे आप। मोदी जी ने अपने चंद पूंजीपति मित्रों का 11 लाख करोड़ रुपए माफ किया है, 11 लाख करोड़ रुपए। जीरो लगाते लगाते थक जाओगे आप। उनका एक सबसे करीबी दोस्त है जिसका नाम है अडानी, उसकी कुल संपत्ति है 10 लाख करोड़ रुपए की, 10 लाख करोड़ रुपए की। इतना कर्जा दिया है मोदी जी ने, अगर आरपी सिंह जी को भी इतना कर्जा दे दे तो ये भी बिल गेट्स से ज्यादा अमीर हो जाएंगे। आप 10,000-20,000 रुपए बाकी होते हो तो आपको हवालात पे बंद कर दिया जाता है, तहसीलदार आता है कहता है आपका 20,000 रुपए बाकी है बैंक का, चलो थाने में। 20,000 करोड़ लेके नीरव मोदी मेहुल चौकसी भाग गया, 9,000 करोड़ लेके विजय माल्या भाग गया, और 6,000 करोड़ रुपए लेके नितिन संदेशरा भाग गया, और एक बहुत सुंदर सी फोटो भी आई थी। किसकी फोटो आई थी? ललित मोदी की फोटो आई थी, देखा था कि नहीं आप लोगों ने? बढ़िया सुंदर सी फोटो उसने अपनी डाली और भारत की सरकार को चिढ़ाया, 3,000 करोड़ रुपए लेके भाग गया, 3,000 करोड़ लेके।
3000 करोड़ लेके आपके बच्चों के लिए स्कूल के लिए पैसा नहीं सरकार के पास, देश की शिक्षा का बजट है 2%, आपके बुजुर्गों के लिए स्वास्थ्य के लिए पैसा नहीं, स्वास्थ्य का बजट है 2%, आपके खिलाड़ियों के लिए सरकार के पास पैसा नहीं, पूरे हिंदुस्तान का बजट है 3000 करोड़ रुपए, यानी कि जितना पैसा ललित मोदी अकेले लेके भाग गया 130 करोड़ हिंदुस्तानियों के खेल का बजट है 3000 करोड़। सोचो जरा, उसका 3 गुना पैसा जो पूरे देश का खेल बजट है, उसका 3 गुना पैसा लेके भाग गया विजय माल्या, उसका 7 गुना ज्यादा पैसा लेके अकेले एक आदमी भाग गया नीरव मोदी। अगर निजीकरण की प्रक्रिया इतनी तेजी के साथ आगे बढ़ती रहेगी तो कोई सरकारी संस्थान नहीं बचेगा, कोई आरक्षण नहीं बचेगा। देश के 92 लोगों के पास 55 करोड़ लोगों के बराबर की संपत्ति है, 55 करोड़ लोगों की। असमानता का स्तर कितना है आप कल्पना कीजिए, कल्पना कीजिए। लाखों करोड़ रुपए, 16-17 लाख करोड़ रुपए तो आपसे डीजल और पेट्रोल का टैक्स लगा लगा के वसूल दिया। अब फंसाए किसमें रहते हैं आपको, दिन रात हिंदू मुसलमान, हिंदू मुसलमान। और एक टीवी का डब्बा आप लोग अपने अपने घर में रखते हैं, 5 बजे से लेकर रात को 11 बजे तक वहां पर मुर्गा लड़ाओ योजना चलती रहती है, 3-4 मुर्गे बैठ जाते हैं अपना लड़ाते रहते हैं, उसी में आप लोग मस्त रहते हैं। दिन रात खाली नफरत फैलाने का काम, दिन रात हिंदू मुसलमान करने का काम। और इस देश में एक ऐसी धारणा का विकास किया है भारतीय जनता पार्टी ने, जो अपने आप को तिरंगा और राष्ट्रवाद के नाम पे ढिंढोरा पीटने का काम कर रहे हैं। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं, 52 साल तक आरएसएस के मुख्यालय पर नागपुर में तिरंगा झंडा नहीं फहराया इन लोगों ने, 52 साल तक। और इनका इतिहास यह कि नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में और सिंध प्रांत में जिन्ना की मुस्लिम लीग के साथ हिंदू महासभा ने सरकार बनाई थी श्यामा प्रसाद मुखर्जी की, यह है इतिहास। इसलिए राष्ट्रवाद और देशभक्ति और धर्म पर पाठ हमको मत पढ़ाओ, हम तुम्हारी असलियत ऊपर से लेकर नीचे तक जानते हैं, अयोध्या में भी तुमने क्या किया वो भी जानते हैं। मामला यह था कि 7:10 पर 2 करोड़ रुपए में प्रभु श्री राम के मंदिर के निर्माण के नाम पर वहां कुछ लोगों को बसाने के नाम पर एक जमीन खरीदी गई, कितने में खरीदी गई, 2 करोड़ में। और 7:15 पर 5 मिनट के अंदर वही 2 करोड़ की जमीन राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने खरीद ली 18.5 करोड़ में, कितने में, 18.5 करोड़। 16.5 करोड़ का घपला 5 मिनट के अंदर। तो इसलिए तो मैंने इनको कहा था कि देखो ए दीवानों, ऐसा काम ना करो और राम का नाम बदनाम ना करो, और राम राम जपना पराया माल, यही काम है वाजपेयी का। चंदा चोरी कर रहे हैं, अभी क्या निकला, प्लाटिंग करा रहे हैं वहां, कॉलोनी बना रहे हैं वहां, आपसे चंदा वसूलते हैं 1000 करोड़ रुपए, और वहां जमीनों की दलाली और घोटाला कर रहे हैं। इसलिए इनसे सावधान रहने की जरूरत है, ये ना राम के हैं और ना आम के हैं, ये किसी के नहीं है, ये सिर्फ नोट कमाने के लिए बने हैं और अपने पूंजीपति मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए बने। इसलिए इन सवालों पर हमें आवाज उठाने की जरूरत है, इन सवालों पर हमें लड़ने की जरूरत है। और बहुत सही बात हमारे एक साथी वक्ता यहां पर कहके गए, और मैं समझता हूं कि आप लोगों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए, और आज मैं आरपी सिंह जी से भी यह बात कहकर जा रहा हूं कि आप ध्यान रखिए इस बात का, जब सदन में कोई भी ऐसा बिल, कोई भी ऐसा मुद्दा आता है, जो भी आरक्षित सीटों से जीत के हमारे सांसद भाई जाते हैं वो किसी भी पार्टी के हो, जो भी पिछड़े वर्ग के हमारे साथी भाई जीत के जाते हैं वो किसी भी वर्ग के हो, जो भी सवर्ण दलितों और पिछड़ों का वोट लेके सदन में जाते हैं वो किसी भी वर्ग के हो, अगर मुद्दा आ रहा है और उनकी आवाज खामोश है तो उनका निकलकर विरोध करना होगा, उनके खिलाफ आवाज निकालनी पड़ेगी, उनके खिलाफ वोट देने का आह्वान करना पड़ेगा। ये अपना उल्लू सुविधा करने का काम कर रहे हैं, आपको तो हिंदू मुसलमान में फंसा दिया, अडानी को अमीर कर रहे हैं, नीरव मोदी को अमीर कर रहे हैं, विजय माल्या को अमीर कर रहे हैं, देश के 1000 करोड़ रुपए लूट रहे हैं, बैंकों में जमा पैसा खाली कर रहे हैं, बैंक फ्रॉड हो रहा है आजकल, 34,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड किया DHFL ने, 34,000 करोड़ का, और 34,000 करोड़ रुपए का बैंक फ्रॉड करने वाले DHFL ने 29 करोड़ रुपए चंदा दिया भारतीय जनता पार्टी को। एक भी ईडी, एक भी सीबीआई, एक भी बुलडोजर बीजेपी वाले के घर नहीं गया, पूछो क्यों नहीं गया। ईडी किसके लिए बनी है, महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए बनी है, कर्नाटक में सरकार गिराने के लिए बनी है, मध्य प्रदेश में सरकार गिराने के लिए बनी है, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल की सरकार को डराने धमकाने जांच कराने के लिए बनी है। 23 मुकदमा बाबा जी ने लिखा उत्तर प्रदेश में मेरे खिलाफ, और राष्ट्रद्रोह लगाया, एक दिन में 9 FIR कराई, मेरे पार्टी का दफ्तर बंद करा दिया। लेकिन मैंने बाबा जी से साफ साफ कहा 2300 मुकदमा लिखाओ, कल जेल में भेजना हो आज भेजो, आज भेजना हो अभी भेजो, लेकिन हम चुप रहने वाले लोग नहीं है, लड़ेंगे और अपने हक के लिए आवाज उठाते रहेंगे। दादागिरी चल रही है,
दो लोग इस देश में, एक मोदी जी एक अमित शाह, इतने गुरूर में लगते रहते हैं, मालूम पड़ रहा है कि पूरा हिंदुस्तान उनका गुलाम है। कह रहे 50 साल तक बीजेपी रहेगी। वाह, 50 साल तक बीजेपी रहेगी, इसका मतलब भारत का संविधान खत्म करने जा रहे हो आप, हमारे लोकतांत्रिक अधिकार छीनने जा रहे हो आप, हमारे वोटिंग राइट छीनने जा रहे हो आप। कैसे 50 साल रहोगे हिंदुस्तान में? अरे तुमने तो देश का कुछ छोड़ा नहीं, सारा कुछ बेच डाला, GST लगा दी खाने पीने की चीजों पे, छोटी छोटी चीजों पे GST लगा दी, दूध पे टैक्स, दही पे टैक्स, छाछ पे टैक्स, आटा पे टैक्स, दाल पे टैक्स, चावल पे टैक्स, पूंजीपतियों का टैक्स घटा के 30% से 22% कर दिया, 1,45,000 करोड़ रुपए का बजट का घाटा हुआ। जय भीम, जय भीम, जय भीम।